इस वीडियो को देखने के बाद आपको 30 रुपीज की अर्निंग होने वाली है, फ्लैट 30 रुपीज आपको मिलने वाला है। पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद सर्च बार में टाइप करना है आदित्य बिरला कैपिटल आपको टाइप करना है। आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पे इसको आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ये ABCD करके आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं अपडेट कर ले रहा हूँ पहले। आपको जब ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मैं स्टेप दिखाता हूँ क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा आपको। यहाँ पे ये अपडेट हो गया है मेरा। अब मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो रहा है। तो ऐप ओपन हो चुका है। अब आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सारी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। फर्स्ट या सेकंड मेरे में एक ही सिम लगी हुई है। सेलेक्ट करने के बाद आपको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपका वेरीफिकेशन होगा सिम कार्ड का वेरीफिकेशन होने के बाद आपको UPI ID सेटअप करना है। यहाँ पर आपकी UPI ID आ जाएगी। और उसके बाद आपको लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं मेरा 3 बैंक आ चुका है। आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे शो कर जाएगा। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट हो उस पर क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट लिंक्ड सक्सेसफुल्ली। तो आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको बायोमेट्रिक ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद लेट्स सिंपली फाइनेंस पे क्लिक कर देना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैनर चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट 30 कैशबैक ऑन योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो आपको एक मर्चेंट पे ट्रांजेक्शन करना है। आपको जैसे सपोज फ्रेंड को UPI ID पे ट्रांसफ़र करते हैं या फिर QR कोड पे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 30 रुपीज़ कैशबैक नहीं मिलेगा। आपको क्या काम करना है, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट पे सेंड कर देना है। 101 रुपये मिनिमम 101 रुपये सेंड करेंगे तभी आपको मिलेगा। मैं आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 101 रुपये ट्रांसफ़र किया था और यहाँ पे 30 रुपीज़ मुझे कैशबैक मिल गया है फ्रॉम आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड कैशबैक अकाउंट। और मैं आपको स्टेटमेंट में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखते हैं 30 रुपीज़ कैशबैक मिल चुका है। यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको। और आपको पेमेंट कैसे करना होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पेमेंट कैसे करेंगे आप, आपको ऐप को ओपन कर लेना है। ये वाला ऐप है, इसको ओपन करने पे आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। स्कैन एंड पे क्लिक करेंगे। स्कैन एंड पे क्लिक करने के बाद आपको मर्चेंट QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने पे आपको 101 रुपये ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने पे आपको 24 घंटे के अंदर में 30 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।